इस वक्त हम नई बस्ती के बिल्कुल बाहर हाईवे पर है और यहाँ पर जितने भी ये लोग आप देख रहे हैं इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली विभाग के खिलाफ। और कहा जा रहा है कि जो किराया है जो अब हमसे वसूला जा रहा है काफी ज्यादा किराया जो है वो बढ़ चुका है और हमसे वो किराया वसूल पाना जो अब जो समय देखा गया है वो सही नहीं है। और रात को आते हैं बिजली विभाग के लोग और हमारी जो बिजली है उसकी तारें हैं वो काट कर चले जाते हैं। जितने भी ये लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर इन्होंने हाईवे बंद कर दिया था लेकिन यहाँ पर पुलिस भी है और पुलिस द्वारा इनको हटाया गया है ताकि ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन यहाँ महिलाएं भी हैं, महिलाएं उसे भी बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ पर गुस्सा सभी लोगों में साफ देखा जा सकता है और इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये सारे नई बस्ती के हैं जी। ये लोकल, थोड़ी देर पहले आपने रोड भी ब्लॉक कर दी। ये कहा गया है कि बिजली का बिल काफी ज्यादा आ रहा है, कहाँ डिपार्टमेंट की देखते हैं? देखिए पिछले कई सालों का ये बकाया जो है निकाल रहे हैं। हमारी ये अपील है राज्य सरकार से और पीडी डिपार्टमेंट से कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा किराया इनसे क्यों नहीं लिया गया। और सच्चाई ये है कि इन लोगों से हर महीने किराया लिया जाता है। जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसको जेब खर्च के लिए 100-200 रुपया लेते हैं क्योंकि ये लोग जो है एक लाइट और एक पंखा चलाते हैं, उसकी वजह से 2 लाख या 3 लाख जो किराया आना वो जायज नहीं है। अगर आपको इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए तो पॉश कॉलोनी में जाके करनी चाहिए जिनके 10-10 AC चलते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को जिनके अभी एग्जाम है उनके जगह जगह आगे लाइट काट दी जाती है और उनको परेशान किया जाता है। जो जो बिजली विभाग के लोग आ रहे हैं, जब वो बिजली काट रहे हैं, हम भी वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, उनसे पूछा जाता है, वो कह रहे हैं कि लोगों के 10-10, 12-12 साल के बिल बकाया है जो वो पे नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं लिए गए? सवाल तो ये है कि क्यों नहीं लिए गए? ये लेके जाते हैं लेकिन ये जेब खर्च लेके जाते हैं। वो बेचारा उसको क्या बताया कि उसने बिल जो दिया है? आई बताता हूँ, ये अनपढ़ लोग हैं, ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उसकी वजह से इनको पता नहीं चलता है कि हमने किराया कहाँ जमा कराना है। अब बैंकों में जाके वो किराया जाने लायक नहीं है तो वो क्या करते हैं कि जो आदमी यहाँ पे पीटी डिपार्टमेंट का आता है उसी के हाथ में वो अपना किराया थमा देते हैं। वो आगे जमा कराता है नहीं कराता है ये उसकी जिम्मेदारी है। की तरह से सीधे इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो उनके लोग आते हैं वो आपसे किराया ले जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी बिल्कुल ये सीधा सीधा इल्जाम है। और एलजी साहब से हम अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर का पानी हो या बिजली हो, जम्मू कश्मीर के सोर्सेज हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों का पहला हक है। उसके तहत जम्मू कश्मीर के जो बकाया ये कह रहे हैं कि किराए हैं वो माफ कर दिए जाए, एमनेस्टी स्कीम के तहत इनको जो है वो रियायत दी जानी चाहिए। और जिस तरीके से आपने देखा है कि पिछले दिनों लाइट जो है वो बंद रही है, पीडीडी डिपार्टमेंट खुद इसको बंद करके बैठा हुआ था, एलजी साहब को आर्मी उतारनी पड़ी, तो आज स्थितियां ये है बद से बदतर होती जा रही हैं। वो दावे जो सरकार करती थी वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। हमारी मांग है कि सरकार बिजली ये एक पीए सिस्टम लगाकर लोगों को धमकाते हैं। जो डिपार्टमेंट है अंडर रूल किसी को पीए सिस्टम पे धमका नहीं सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी के मोहल्ले में जाके इस तरह से ये धमका नहीं सकते कि आप बिजली का किराया से, और खासकर एलजी साहब से जो दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने खुशहाल बना दिया है। जाता है तो कल एलजी साहब जो 15 मिनट अपना 1 घंटा का काफिला जहां पहले बंद कर देते हैं, हम उसी तरह नहीं है इस रियासत में रहने का। हमारी मांग है जो ब्यूरोक्रेसी है जहां से पूरा यहां देखा जाए तो नई बस्ती के